See, this is what energy does. And energy has certain physiology. Uska ek state hota hai. So whenever you are down, which you will be, hoga life mein kabhi? Possibility hai ki you do something kuch nahi hota aapke mutabik, right? You feel that early morning you get up and your neighbor wife should also be out and she's not there. You feel low about yourself and aise dil ko dukh lagta hai, fir aise down ho jati hai na yaar, aayi nahi aayi. So sometimes the check bounces, sometimes the promotion doesn't happen, sometimes some market doesn't behave the way you want them to behave. Kuch na kuch aapke hisab se nahi hota. To aap down feel karte ho, low feel karte ho, jo aapka haq hai, yes or no? लेकिन आपका हक वहां रहना नहीं है. कुछ लोग वहीं कैंपिंग कर लेते हैं, तंबू उम्बू गाड़ के बिस्तर लगा के अभी उसी डल एरिया में सोएंगे. कुछ लोग कहते हैं यार ये अपना घर नहीं है, एंड दे बाउंस बैक. एंड द बेस्ट वे टू बाउंस बैक इज टू चेंज ए फिजियोलॉजी. आप डल फील कर रहे हो, डाउन फील कर रहे हो, ऐसा हो सकता है, बट द क्वेश्चन इज डू यू वॉन्ट टू स्टे देयर नाउ. So how do you bounce back? सबसे सरल, सबसे आसान तरीका, change your physiology. क्या करो? Suddenly ऐसा करो. अब ऐसा वाला इंसान डल नहीं होता. Are you going there? डल है क्या? ए पागल है क्या? So now when you have to change certain aspects of your life. The moment you change your physiology, आप देखो कि आपका यहाँ change होना चाहिए. Because the law of life says the way you're inside will have a इफेक्ट ऑन द वे योर आउटसाइड. कि आप अंदर से अगर एक्साइटेड होते हो, अंदर से आप बड़े जोशीले होते हो, अंदर से आप बड़े एंथुजियास्टिक होते हो, तो आपकी हरकतें भी वैसी होती हैं. लेकिन अगर अंदर से ये कनेक्ट होता है बाहर, तो बाहर से भी अंदर कनेक्ट हो सकता है और होता है. तो कुछ एक्शंस ऐसे होने चाहिए लाइफ में जो हमारी एनर्जी लेवल्स को ऊपर ले जाए. कुछ एक्शन ऐसे होने चाहिए जो हमारी लाइफ में जो हमारे एंथुजियाज्म को ऊपर ले जाए. और एंथुजियाज्म जो है, इट इज नॉट अबाउट positive all the time. It is not about that. It's all about you behaving positive all the time. तो बड़ा जरूरी है कि एक outer manifestation होना चाहिए हमारे internal energy का. और अगर वो नहीं हो रहा है, तो हम outer manifestation से internal energy को हम जागृत करें. For example, ऐसा मानो कि अच्छा, have you seen people clapping outside? तो कभी आपने देखा है कि public जैसे वो ऐसा मान लें कि उज्जवल चेक बाउंस हो गया. अब ये दुख भरी बात है या सुख भरी बात है? दुख भरी बात है कि जिसका चेक आना था क्लाइंट का, वो आया और वो चेक बाउंस हो गया और मेरा सारा कैश फ्लो ऊपर नीचे हो गया. तो इट्स अ सैड पार्ट. आई हैव एवर सीन समबडी और यार चेक बाउंस हो गया यार, आज चेक बाउंस हो गया यार. हैव यू सीन दिस हैपनिंग? नॉट पॉसिबल, बिकॉज दिस डज नॉट गो विद द थॉट प्रोसेस ऑफ नेगेटिविटी और थॉट प्रोसेस ऑफ डलनेस. ये और डलनेस साथ साथ नहीं होते, am I right? लेकिन डल आदमी हो सकता है और हमें ये भी मालूम है कि हमें उससे बाहर निकलना है. बट इफ अ पर्सन, आई एम जस्ट सेइंग फॉर द एग्जांपल, कि कोई इंसान अगर ताली बजा रहा है, इसका मतलब अंदर वो उदास तो नहीं. कोई नेगेटिव बात के लेके ताली तो वो नहीं बजाता. वो बचपन के दिन गए कि कोई केले के छिलके फिसल के हमने गा रहे मजा आया वो अब सो वो दिन तो नहीं है. तो वी आर सेइंग दैट द मोमेंट वी क्लैप, we are creating something positive inside our mind. We are saying to ourselves, kuch to achha hua hai, right? Your whistle, I'm not saying the college wala whistle nahi, lehron wala. Batao jab mujhe aati nahi bajane zor se, ha ye wali whistle. Ab ye agar whistle ho rahi hai, iska matlab kya hai? Ladki, are baba, keh rahe hain ek ladki ko dekha to aisa laga, right? Ha, excitement. चाहे वो लड़की को देख के ही हो, लेकिन एक्साइटमेंट है कि नहीं है? तो उसने पलटा देखा, लड़का निकला. आजकल बाल भी लंबे होते. हाँ, तो आपने सीटी देखी, कोई बजा रहा है, आपने सीटी बजाई, इज इट आउट ऑफ डलनेस? गई आज छोड़ के, आज गई, ऐसा हुआ क्या? यू डोंट डू दैट. आप सीटी बजा रहे हो, इसका मतलब क्या है? यू समथिंग इज पॉजिटिव इन योर माइंड. तो ये सारे एक्शंस जो हैं, they are linked to something positive in our mind. They are linked to positive. तो ऐसे ही अनजाने में बहुत सारे actions हैं. For example, if somebody, a friend तुम्हारा जो है, उसका accident हो गया hospital में, अनूप तुम hospital गए. अब hospital जाने से पहले तुम सब joke पढ़ रहे हो, SMS पढ़ रहे हो, अपने mobile में, WhatsApp में आ रहे, हंस रहे हो. लेकिन जैसे तुम उसके cabin में गए, उसके room में गए, उसकी टांग पड़ी हुई है fracture करके, तुम कैसे मुंह बनाते?
You don't go laughing, अरे तेरा accident. You don't do this. उसका दूसरा टांग भी टूट जाएगी. You don't go with that because this is not allowed in terms of if you do this, you are saying बड़े मुझे बड़ा मजा आया. But if you go with a dull face or with a look on your face which speaks, which shares कि हाँ तेरा दर्द मैं समझ रहा हूँ, that is the right behavior at that moment. So आप देखोगे कुछ actions energy से linked हैं, कुछ actions dullness से linked हैं. ये हो गया. If you see maybe a lawn tennis match or maybe any match which is there, any sport which is there, आप देखोगे कि कोई player ऐसे करता है action, right? Maybe Leander Paes is playing or Bhupati is playing and they win a point. तो वो player ऐसे करता है. तो इसका वो ऐसे करने से क्या होता है? वो बोलता है मुझसे नहीं होगा यार, I can't win यार, ना हो नहीं सकता यार, मैं हारूंगा यार. ऐसा होता है क्या? वो कुछ बोलता भी नहीं है लेकिन ऐसे करता है. The message goes to his mind is, I can do it, I can win, come on, buck up. वो चाहे वो बोले ना बोले, वो एक्शन से ही एनर्जी जा रही है, बकअप. वो ऐसा करने से नहीं यार, तेरे से नहीं होगा करके देखो कितना ऐसा बेकूफी लगेगी. नहीं होगा यार मेरे से. तो लोग क्या बोलेंगे अगर तुम ऐसा बोल रहे हो? नहीं होगा मेरे से. ये डे क्योंकि तू बोल क्या रहा है और कर क्या रहा है, ये एक्शन का मतलब क्या है? होगा. तो सर्टन एक्शंस लीड टू सर्टन इमोशंस, सर्टन थॉट्स. यहां तक हो मेरे सर? तो जब हम डल होते हैं तो कुछ एक्शंस डलनेस वाले होते हैं, और जब हम एक्साइटेड होते हैं तो कुछ एक्शंस एक्साइटेड वाले होते हैं. यहां तक क्लैरिटी है? अब हम फिर हमने ये भी समझा कि हम डल भी होते हैं, फिर हमने ये भी समझा कि हमें डलनेस से बाहर भी आना है, तो हम क्या करें? देखो ये मैंने आपके सामने ये सारी चीजें रख दी. कुछ एक्शंस होते हैं जो डलनेस को दर्शाते हैं, कुछ एक्शन होते हैं जो एक्साइटमेंट को दर्शाते हैं. एक बात ये भी है कि हम डल होते हैं, एक बात ये भी है कि हम डलनेस से बाहर निकलना चाहते हैं. इन चारों सिचुएशंस को लेके हमारा फॉर्मूला क्या निकलना चाहिए? हमें एक्साइटेड होना है, नहीं? एक्साइटेड मतलब नॉर्मल सी बहाना है. और ये कब आना है? जब हम डल हो या डाउन हो. तो हमने क्या करना चाहिए? हमने अपनी फिजियोलॉजी चेंज करनी चाहिए. तो क्या हम वो फिजियोलॉजी ला सकते हैं जो एक्साइटमेंट के साथ कनेक्टेड है? क्या हम वो एनर्जी ला सकते हैं, वो बिहेवियर ला सकते हैं जो एनर्जी के साथ एसोसिएटेड है? अगर इतना हम लेके आ गए, यू विल सी दैट इट्स अ वेरी पावरफुल वे, अ सिंपल वे, अ शॉर्ट वे एंड अ फास्टर वे टू कम बैक टू नॉर्मलसी.